नमस्कार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए भले ही भाजपा ने सुखवंत सिंह को उम्मीदवार बना दिया हो, लेकिन टिकट कटने से खफा जय आहूजा के बगावती सुर सामने आने लगे हैं। दरअसल 11 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सुखवंत सिंह का टिकट काटकर जय आहूजा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सुखवंत सिंह ने भाजपा से बगावत कर आजाद समाज पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा। हालांकि सुखवंत सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इसका नुकसान जय आहूजा को उठाना पड़ा और वह चुनाव हार गए थे। उसके बाद सुखवंत फिर पार्टी में आ गए और इस बार उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। सुखवंत सिंह के नाम के ऐलान के बाद जय आहूजा सहित उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। रामगढ़ कस्बे में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जय के समर्थक इकट्ठा हुए और आक्रोश जताया। इस दौरान जय आहूजा ने भी कहा कि झूठ मक्कारी और लपट का जवाब आप सबको देना है। क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे मक्कार लंपट कपटी धोखा देने वाले और फिर भी शुरू मारने वाले करेंगे। आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो। ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में तीन तीन कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा, जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहां का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद उनके समर्थकों ने भी एक ही सुर में कहा कि हमारा नेता जय आहूजा है, जिन्होंने हमेशा हमारा और हमारे परिवार के लिए जो इन्होंने किया है वह कोई नहीं कर सकता। कई समर्थक रोने तक लग गए। इस दौरान जय आहूजा और उनकी पत्नी भी भावुक हो गए। थाने की पुलिस पहुंच गई। आज जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार तीनों चारों बच्चे अंदर इतने बुरी तरह मारे जितने इन्होंने जो किया है जय आहूजा साहब ने, आज मेरा परिवार इनको इतना रो रहा है, मेरा घर जाके देखो इन टिकट की वजह से मेरा हमारा तो हुआ है, ऐसी हालत मेरे घर के अंदर नहीं पड़ी। अब हमकी पे हमारा प्राण बचाया, पते भूल ले जाना, पते के कहीं पथ पर कांटे तो होंगे ही, ये रामगढ़ पे का बात होना है, तुम्हारा बुजुर्गन की धरोहर है। कैसे है? चटनी रोटी खा खा करके ज्ञान दे आहूजा ने संग खड़ा किया था, आपका नहीं है, आपका पिताजी का है। आपने मेहनत करी, आपने हमारा दिल लूटो, प्यार लूटो, सबन के आंखन मासु देख ले। मैं आज का आपके लिए भाई साहब जान भी दे सकता हूं, मेरे बच्चा की जान आपने बचाई, किसी मुख्यमंत्री नहीं बचाई। एक ही नेता है और एक ही नेता रहेगा। हम जब आए हैं कांग्रेस पार्टी, 25 साल की मैंने सेवा दी और 25 साल की पार्टी को जो छोड़ के जब मैं आया, माननीय जय आहूजा जी के सानिध्य में आया, क्योंकि मेरी दोस्ती और मेरे इनसे एक लगाव और बहुत ज्यादा प्रेम है। कुल मिलाकर इन हालातों को देखकर लगता है कि हालात फिर वही पिछले चुनाव की तरह होने वाले हैं, जिसमें भाजपा की राह आसान नहीं लग रही। इस दौरान जय आहूजा ने कहा कि पिछले चुनाव में सुखवंत सिंह ने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, तब हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को गालियां दी गई, झंडे जलाए गए, पार्टी ऐसे लोगों को रिवार्ड देती है, टिकट देकर सम्मान करती है, जो गलत। आज जो मीटिंग हुई है किस पर्पज पे हुई और क्या निर्णय लिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को टिकट दिया है
उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें फाड़ी गई। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात, में 2400 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। और मेवात में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बखूबी मुकाबला करते हुए मैंने काम किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सातों जात के लोग आपको मौजूद मिल रहे हैं। इन सब से आज सबके आग्रह पे या सबके आदेश पे, एक मेरे पास बहुत फोन आ रहे थे तो कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, इतने छोटी समय की सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परसों हम एक और बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत में यदि जनता जनार्दन का, हमारे पांचों मंडल अध्यक्षों ने आज इस्तीफा दिया है उनका, कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है उनका, उन सब लोगों का जो निर्णय होगा वो सिर माथे होगा। मुझे या जिसको भी चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की जो रीति नीतियां हैं उन रीति नीतियों के विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर रामगढ़ के चुनाव में एक बार फिर वही हालात नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में जहां सुखवंत सिंह बागी हो गए थे तो जय आहूजा को नुकसान उठाना पड़ा था, तो अब लगता है कि एक बार फिर जय आहूजा की नाराजगी भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।